नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। आज इसने ये जो स्टॉक है 204 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड आज इसने मार्केट में 2.75% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 40,779 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग है 75.20% की एंड फेस वैल्यू है 10, बुक वैल्यू है 78.5 एंड डिविडेंड ये अच्छा खासा देता है, 1.89% का इसका डिविडेंड यील्ड है। जैसे कि आपको, अगर आप मुझे सब्सक्राइब किया है ना, आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। काफी स्ट्रांग है ये स्टॉक एंड जो इसका जॉनरा है वो है यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली प्रीमियरली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। सो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन में है, रियल एस्टेट में है, बट फाइनेंस में है। तो फाइनेंस करता है ये जो भी कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, जिनको जो यू नो डेवलपमेंट में होती हैं एंड उसमें होती हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, तो उनको फाइनेंस करता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए इसको डिकोड करके तो फाइनेंस का स्टॉक है, ओके, एंड गवर्नमेंट का है ये। सो अभी बात करें कि टेक्निकल की, तो ये स्टॉक जो है फंडामेंटल टेक्निकली 15-200 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर, जो कि काफी अच्छी बात है। पीई की बात करें तो पीई मीडियन से काफी हाई है इस टाइम पे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देखिए कितना क्लीन है ये, सेल्स एंड मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बट बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अभी जो आया है क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, वो काफी सेल्स बढ़ी हुई है उसमें। ठीक है, तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का नाम ले लिया है तो उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं। देखिए सेल्स बढ़ी है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया है इनका, क्योंकि आपको मैंने बताया फाइनेंसिंग में है ये, तो ये इंटरेस्ट भी आया है वो भी बढ़ा है। एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम हुए हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने कम हुए हैं, तो इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा है। नहीं तो जो फाइनेंस में नहीं होते यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाता है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग दिखा रहा है, इसका मतलब इसका कोर बिजनेस जो है फाइनेंस का है। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा जंप मिला है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसकी प्रमोटर होल्डिंग एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस, तो एक बार नजर मार लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है इस बार कम हुई है इसकी, एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है एंड डीआईआईज ने भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से होल्डिंग बढ़ाई है, थोड़ी सी पब्लिक के पास भी इसकी होल्डिंग ज्यादा आई है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे एंड फंडामेंटल वीडियो मैंने डिटेल में बनाई हुई है, वो जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो जो होगी उसमें फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। जो मेरी वीडियोस पहले, जिन्होंने नहीं देखी और पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जो मैंने लगाया था ये बस इसलिए लगाया था दिखाने के लिए कि स्टॉक कितना भाग चुका है। तो 171% के आसपास स्टॉक भाग चुका है एंड उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ एंड जैसे कि आपको पता है मार्केट थोड़ी सी गिरी थी, तो मैं इसको हटा देती हूं अभी के लिए, पुराने चार्ट के सारे सेटिंग्स थी। तो देखिए आज मार्केट में बेसिकली क्या देखा गया है, यहां पे बना है एक डॉजी। ठीक है, तो यहां पे डॉजी तब बनता है जब बायर्स एंड सेलर्स में बहुत तगड़ा स्ट्रगल देखा जाए। तो यहां पे देखिए रेजिस्टेंस भी है, तो सेलर्स का प्रेशर तो यहां पे आना ही था एंड बायर्स का प्रेशर इसलिए आया क्योंकि स्टॉक भागने के लिए फिर से तैयार हो चुका है। ठीक है, तो कल इसने 10% का यहाँ पे सर्किट में ये लॉक हुआ था। एक बार इसकी जो सर्किट है देख लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बोल दूं कि सर्किट में लॉक हुआ है, तो हाँ जी सर्किट में ही लॉक हुआ था, 10% का इसका सर्किट हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले 20% था बेसिकली, सो 10% के सर्किट में लॉक हुआ था एंड यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डॉजी बना है। आज वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम था 35 मिलियन के आसपास एंड आज जो वॉल्यूम है वो 32 मिलियन के आसपास आया। देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का जो है वो कमाल देखा गया है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर देखा गया है बट बायर्स का भी प्रेशर देखा गया है, फाइट तो दोनों की रही है। आरएसआई जो है 67.48 के पे ट्रेड कर रही है एंड अगर कल ही अप मूव देता है तो आरएसआई यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज की लाइन को कट कर देगी एंड जो कि एक बड़ा अच्छा साइन होता है एंड आरएसआई के पास अभी रूम भी है यहाँ पे प्ले करने के लिए। ठीक है, तो एक बार इसकी न्यूज पे नजर मार लेते हैं कि कोई न्यूज तो नहीं है। तो देखिए इसकी 13th को न्यूज आई है और वो मैंने 13th को वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं इस न्यूज को एक बार देख लेती हूँ कि न्यूज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी जो पुरानी थी, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट विद द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टर मीटिंग ऑन
12th February एंड वो इन ओबेरॉय दिल्ली। तो ये कुछ वैसा नहीं है, इन्होंने वो सारी अटैचमेंट जो इन्वेस्टर मीटिंग रही है तो उसके लिए ही है। ये इनकी इन्वेस्टर मीट की डिटेलिंग है कि किस किस के साथ इन्होंने इन्वेस्टर मीट करी है। SBI लाइफ के साथ करी है, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ करी है, बजाज अलायंस के साथ करी है। तो ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो आप खुद भी BSE पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल देने लगी तो इतना लंबा वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो अब एंट्री की बात करें यहां पे, तो देखिए फाइट अच्छी देखी गई है एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए भी तैयार है। बट ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि यहां पे काफी भारी भरकर रेजिस्टेंस है, हालांकि इसने डॉजी बनाया है तो जरूरी नहीं है डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल ही बने, हो सकता है क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स दोनों का प्रेशर देखा गया, हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए। तो एंट्री की बात करूं तो मैं यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं डेफिनेटली एंट्री नहीं बनाती, मैं डॉजी के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करती, उसके बाद देखती मैं कि मुझे क्या करना है। हो सकता है कल लाइव मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि एक रीजन और भी है कि मैं क्यों नहीं बना रही एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ना कम हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम था 40 मिलियन, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 35 मिलियन एंड यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 32 मिलियन। तो ये भी एक रीजन है कि मैं यहाँ पे नहीं बना रही अभी एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए स्टॉक काफी स्ट्रांग है, पर स्टॉक काफी भाग भी चुका है, तो अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी होता है ना थोड़ी देर, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा, क्योंकि कायदे से कंसोलिडेट ये हो सकता है, इतनी लेवरेज मिलनी चाहिए, 170% भाग चुका है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं जरूर एंट्री बना लेती, स्टॉक में काफी पोटेंशियल है एंड मुझे लगता है कि Q4 के रिजल्ट से पहले पहले मुझे लगता है 300 क्रॉस कर सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे 300 के टारगेट हैं एंड शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये है, वैसे लॉन्ग टर्म मैं 1 ईयर के लिए बोलती हूँ पर यहाँ पे मैं Q4 लेके चल रही हूँ, 3-4 मंथ्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड बाकी एक और बात बता दूं कि जैसे मैं बात करूं कि वॉल्यूम कम है, आप ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम कम के बाद एकदम से कितना ज्यादा वॉल्यूम आ गया। तो अगर आप इस स्टॉक में एंट्री बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ना मार्केट पे नजर रखिए कि कल लाइव मार्केट में कितना वॉल्यूम आता है, क्या होता है, उससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, रेस्ट अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं कल वीडियो में एंड तब तक के शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।